आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइल इंपोर्ट कर लिया है। बिफोर आप लोग को वीडियो को कैसे शूट करना है, सो देख सकते हैं यहाँ पे मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ। यूज कर लेना चाहिए, बॉडी में रहना चाहिए, और एक टी शर्ट लेना है, एक्स्ट्रा टी शर्ट। और एक्स्ट्रा टी शर्ट लेने के बाद आपको कुछ एक्टिंग करना है। सो सिंपली मैं इसमें भी सिंपली आपको दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, कपड़े को फेंकना है और थोड़ा सा रिएक्शन करना है ऐसा। फिर ट्रेन से बाहर निकल के आपको कपड़े को चेंज कर लेना है। सो मैं देख सकते हैं मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है। टी शर्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे आ चुका, तो थोड़ा सा फिर हम लोग कुछ रिएक्शन देंगे। देखते हैं यहाँ पे हम लोग आज ट्रांजेक्शन या फिर कुछ टी शर्ट चेंज करने का टाइम पे कैसे हम लोग एडिटिंग करें या फिर ट्रांजेक्शन डालें, सो वो सीखने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे फाइल इंपोर्ट करके रखा है ऑलरेडी, जिस बढ़ा देता हूँ इसमें। और आपको क्या करना है मैंने बता दिया है कैसे शूट करना है आप लोगों को। तो उसमें से आपको यहाँ से कुछ पार्ट, मेरे को कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको अनलिंक कर देता हूँ, देन उसका ऑडियो डिलीट कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम कोडिंग दिखना चाहिए मेरे को, इसके लिए मैटर नहीं करता है। फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम कोडिंग को थोड़ा बड़ा करने वाला हूँ। यहाँ पे अल्ट को होल्ड करते हुए खींचिए, हो जाएगा। तो देन थोड़ा सा वीडियो को लंबा कर लीजिए। और इसमें एक वीडियो है मैंने शूट किया है, जो कि टी शर्ट को आपके मतलब बॉडी का ऊपर एक बार प्रेस करना है या फिर लगाया जैसा करना है। देन दूसरा वीडियो है और दूसरा इफेक्ट है कि हम लोग को लगा के टी शर्ट को फिर उसी पोजीशन पे आके थोड़ा सा रिएक्शन देना है। रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रियलिस्टिक लगने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा, आपको यहाँ पे चेक करना है और कहाँ से आपको की फ्रेम को यूज करना है बोल के। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे टी शर्ट फेंका है, यहाँ पे देख सकते हैं इतना तक ये हम लोग को चाहिए। तो कंट्रोल के प्रेस या फिर कंट्रोल सी प्रेस करते हुए आप जा सकते हैं, और ज्यादा नहीं चाहिए तो आपको यहाँ से वीडियो स्टार्ट करना है कहाँ से। सो देन इसको मैं यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मैंने यहाँ तक ले लिया है। सो देन इसके बाद में तो इसको कंट्रोल के प्रेस कर लीजिए, और उसके बाद फर्स्ट आगे वाला फ्रेम को डिलीट कर दीजिए और सेलेक्ट करते हुए फिर से थोड़ा इसको आगे लेके आइए। और मैं फर्स्ट की में जा रहा हूँ, और थोड़ा सा इसको क्या करना है हम लोग को, थोड़ा सा और यहाँ पे देखना है कैसा रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ से आपको की फ्रेम को लेके आना है, मैं थोड़ा सा फ्रेम ऊपर लेके आ रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही क्योंकि हम लोगों ने टी शर्ट तो फेंक दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट शॉट है जो कि टी शर्ट लगाया हुआ है। तो जैसे ही आएंगे यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन होगा, देख सकते हैं यहाँ पे है रिएक्शन है। तो इसको मैं यहाँ से फिर से कट कर देता हूँ टाइमलाइन को। देन ये दो बीच में जो है हम लोग के बीच में, उसको मैं डिलीट करने वाला हूँ, कंट्रोल जे प्रेस कर देते हैं। इसमें से हम लोग को ए फ्रेम वाला क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा जूम इन करना फ्रेम को लेके आते हैं साथ में, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कुछ भी नहीं, इसमें सिंपली ट्रांजेक्शन जैसा ही यूज होगा। लाइक देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो ऑन हो रहा है। अगर आपका वीडियो भी रुक रुक के चल रहा है तो यहाँ पे जाके आप 1/4 कर दीजिए या फिर फुल भी कर सकते हैं। फुल करने से थोड़ा सा रेगुलेशन कम होता है, वीडियो रेगुलेशन। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन हो चुका है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा और जूम करके आपको यहाँ से टाइम कोडिंग को देखना है, ये बेटर है। बट यहाँ पे जो जैसे ही हम लोगों ने टी शर्ट लगाया हुआ फ्रेम आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को, सो देन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं या फिर सो नाउ थोड़ा सा ऑन करके देख लेते हैं। नाउ यहाँ तक ठीक है, जैसे थोड़ा सा और इसको यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। आपको जैसा चाहिए आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें चाहे तो इफेक्ट भी डाल सकते हैं आप।
पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और नेक्स्ट दूसरा स्टेप भी है जो कि हम लोग यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे और इफेक्ट में यहाँ पे हम लोग कलर सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे देख सकते हैं इमेज कंट्रोल और यहाँ पे एक चेंज कलर बोल के आएगा, यहाँ पे बैलेंस कलर, तो देख सकते हैं चेंज कलर यहाँ पे। तो चेंज कलर को यहाँ पे ड्रैग एंड डाउन करके भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना।